अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th, होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉइंग दिस रेनी वेदर। इन माय प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द पैराग्राफ्स एंड वी डिस्कस्ड फॉर फर्स्ट फोर पैराग्राफ्स। नाउ कम टू पैराग्राफ नंबर 5, पेज नंबर 139। पैराग्राफ नंबर 5, मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ। जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ वो शहर का एक मशहूर स्कूल है। मेरी जमात को 4 उस्ताद पढ़ाते हैं। वो सबके सब काबिल हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मिस्टर जैद पसंद हैं। वो हमें अंग्रेज़ी और हिसाब पढ़ाते हैं। इनके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि जो कुछ वो पढ़ाते हैं फौरन याद हो जाता है, इसलिए इनकी जमात का नतीजा 100% होता है। नाउ अगेन कम, मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ। आई रीड इन 10th क्लास। जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ वो शहर का एक मशहूर स्कूल है। द स्कूल वेयर आई स्टडी इज़ अ फेमस स्कूल ऑफ द सिटी। मेरी जमात को 4 उस्ताद पढ़ाते हैं। 4 टीचर्स टीच माई क्लास। वो सबके सब काबिल हैं। ऑल ऑफ देम आर एबल, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मिस्टर जैद पसंद हैं। बट आई लाइक मिस्टर जैद द बेस्ट। वो हमें अंग्रेज़ी और हिसाब पढ़ाते हैं। ही टीच अस English and mathematics or math. He teaches us English and math. इनके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि जो कुछ वो पढ़ाते हैं फौरन याद हो जाता है। His method of teaching is so good that we learn within no time. His method of teaching is so good that we learn within no time. इसीलिए इनकी जमात का नतीजा 100% होता है। नेक्स्ट लाइन, प्रीवियस लाइन को आप दोबारा से सुन लें। His method of teaching is so good that we learn it within no time, whatever he teaches us. And the next line is, यही वजह है या इसीलिए इनकी जमात का नतीजा 100% होता है। दिस इज़ वाई द रिज़ल्ट ऑफ हिज क्लास इज 100%। दिस इज़ वाई द रिज़ल्ट ऑफ हिज क्लास इज 100%। नाउ कम टू पैराग्राफ नंबर 6। एक कंजूस था, देयर वाज़ अ माइज़र। एक दफ़ा इसका बटुआ गुम हो गया। वंस ही लॉस्ट हिज पर्स। बटुए में 100 रुपये थे। देयर वर 100 रुपीज इन द पर्स। उसने ऐलान किया, जो मेरा बटुआ ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 10 रुपये दूंगा। ही अनाउंस्ड आई शेल गिव 10 रुपीज टू हिम Who finds and brings my purse? एक दिन एक किसान इसका बटुआ लेकर आया। कंजूस ने बटुआ देखा, इसमें पूरे 100 रुपये थे। One day a farmer came to him with his purse. The miser saw his purse. There were exactly 100 rupees in it. जब किसान ने अपना इनाम मांगा तो कंजूस ने कहा, मेरे बटुए में 110 रुपये थे, अब सिर्फ 100 हैं। तुम पहले ही 10 रुपये ले चुके हो।
When the farmer demanded his reward, the miser said, "There were 110 rupees in my purse. Now they are only 100. You have already taken 10 rupees. You have already taken 10 rupees. Now come to paragraph number 7. Anarkali, Lahore ka masroof tareen bazaar hai. Anarkali is the busiest bazaar in Lahore. Ye hamesha logon se bhara rehta hai. It is always crowded with people. Dukane raat gaye tak khuli rehti hain. Shops remain open till late at night. आप यहाँ तकरीबन हर किस्म की चीज़ें खरीद सकते हैं. You can buy almost all kinds of goods from here. कुछ लोग यहाँ से अशिया ख़रीदने आते हैं, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ सैरो तफरी के लिए आते हैं. सम पीपल कम हेयर टू बाय थिंग्स बट मैनी पीपल कम ओनली फॉर रिक्रिएशन. अनारकली में बहुत से फेरी वाले भी होते हैं. देयर आर मैनी हॉकर्स टू इन अनारकली. वो बटन, फीते, सुइयां, क्लिप और इस किस्म की दूसरी अशिया बेचते हैं. दे सेल बटन्स, लेसेस, नीडल्स, क्लिप्स एंड अदर थिंग्स ऑफ दिस काइंड. कुछ जेब तराश भी अनारकली में फेरी वाले भी होते हैं. देयर आर मैनी हॉकर्स टू इन अनारकली. वो बटन, फीते, सुइयां, क्लिप और इस किस्म की दूसरी अशिया बेचते हैं. दे सेल बटन्स, लेसेस, नीडल्स, क्लिप्स एंड अदर थिंग्स ऑफ दिस काइंड. कुछ जेब तराश भी अनारकली में आते हैं. अगर आप अनारकली जाएं तो इन जेब तराशों से होशियार रहें. सम पिक पॉकेट्स आल्सो कम टू अनारकली. If you go to Anarkali, beware of these pickpockets. Now come to paragraph number 8. वालदैन की इज्जत करना हमारा इखलाकी फर्ज है. It is our moral duty to respect our पेरेंट्स. वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं. दे टेक मच केयर ऑफ अस. वो हमें खुराक देते हैं. दे फीड अस. वो हमें लिबास देते हैं. दे गिव अस क्लॉथ्स. वो हमें तमाम चीज़ें मुहैया करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है. दे प्रोवाइड अस ऑल दोज थिंग्स विच वी नीड. वो हमें स्कूल भेजते हैं. दे सेंड अस टू स्कूल. ताकि हम तालीम हासिल करने के बाद इनकी खिदमत करें. दे सेंड अस टू स्कूल सो दैट वी मे सर्व देम आफ्टर गेटिंग एजुकेशन. इससे हमें राहत मिलेगी. इट विल गिव अस कम्फर्ट. Thank you class 10th. This is today's lecture. For tomorrow you should be prepared for direct, indirect or narrations and also pair of words. Inshallah we will discuss these two things tomorrow. Thank you. Allah Hafiz.